आज का मानव कितना स्वार्थी हो गया है कि वो केवल और केवल अपने ही विषय में सोचता है। हालांकि रामचरितमानस में बाबा जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे, सुर नरमुन सब के यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। बाबा जी ने पहले ही घोषणा की थी कि ऐसे लोग होंगे कलयुग में जो यदि किसी से प्रेम भी करेंगे तो केवल इस कारण से करेंगे कि उनका कोई ना कोई स्वार्थ निहित होगा। बिना कारण के तो लोग यहाँ पर नमस्कार भी एक दूसरे को नहीं करते, इतने स्वार्थी लोग हो गए। खैर ये एक अलग विषय रहा। लेकिन पीड़ा कब होती है कि आज का मानव इतना स्वार्थी हो गया है, इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाए रखने के लिए आज छोटे छोटे जीव जंतुओं को मारकर खा जाता है। इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। अरे आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जिस परमात्मा ने आपको बनाया है उस परमात्मा ने इन छोटे छोटे पशु पक्षियों को बनाया है। आपको किसने अधिकार दिया कि आप इन छोटे छोटे पशु पक्षियों को मारकर खा जाएं? क्या आपके हृदय में पीड़ा नहीं होती? क्या आपके मन में तनिक भर भी दया नहीं आती? आप एक प्राणी होकर, आप एक जीव होकर दूसरे जीव को खा जाते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। और आप अपने आप को इंसान कहते हैं, आप अपने आप को मानव कहते हैं, आप मानव नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि आज के मानवों से अच्छे तो कहीं ना कहीं जानवर हैं, कम से कम ये एक दूसरे को खाते तो नहीं है। आज का मानव तो स्वयं जीव होकर दूसरे जीव को खा जाता है। मेरी बात भले आपको कड़वी लग रही हो लेकिन ये बात बहुत सत्य है और बहुत ध्यान देने योग्य ये बात है कि हम किस ओर जा रहे हैं। जब आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप किसी छोटे जीव के प्राण लें। अरे जो बेजुबान है, जो बोल नहीं सकता, आप उस बेजुबान जीव को मारकर खा जाते हैं? उनसे कारण पूछो कि भैया क्यों खाते हो, खाने के लिए तो बहुत सारे पदार्थ हैं, हमारे यहाँ इतने प्रकार की सब्जियाँ, इतने प्रकार के फल हैं, हाँ इतने प्रकार की सुविधाएं हमारे यहाँ पर हैं, आप इन इन पशु पक्षियों को मार कर क्यों खाते हैं? तो उन लोगों का कहना होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, बहुत ज़्यादा वसा होती है, इसलिए हम इन सब चीज़ों को खाते हैं। तो आपको जानकर हैरानगी होगी कि हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारे शाकाहारी पदार्थों में भी उतनी ही प्रोटीन है, उतनी ही वसा है, उतनी ही ऊर्जा है जितनी कि इन पदार्थों में। तो आप इन छोटे छोटे पशु पक्षियों की बजाय फलों को खा सकते हैं, सब्जियों को खा सकते हैं, तमाम तरह की सब्जियां, तमाम तरह के फल हैं, आपको इन्हें खाने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से आप इस सुंदर संसार में विचरण करते हैं आज़ादी के साथ प्रसन्नतापूर्वक, उसी प्रकार ये भी डिजर्व करते हैं कि अपने संसार में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ ही रहें। आप जरा विचार करो कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है, तो वो जब इंजेक्शन आपको लगाता है तो कितनी पीड़ा होती है आपको वहाँ? बहुत सारे लोग तो मैंने देखे हैं रोने भी लगते हैं, बड़े बड़े लोग भी रोते हैं, बच्चे तो खैर छोटी सी बात है, बड़े बड़े लोग भी रोने लगते हैं। आप विचार करो, एक छोटा सा बेजवान जीव है, उस बेजवान जीव की गर्दन पर आप इतना भारी, इतना मोटा ताजी चाकू रखते हो और एक सेकंड में उसको काट देते हो, उसको कितनी पीड़ा होती होगी। कभी उसकी पीड़ा को समझने का प्रयास करो। आज का मानव कितना निर्दयी हो गया, मुझे ये देखकर बड़ी हैरानगी होती है। एक तरफ आप कहते हैं कि वी आर एनिमल लवर्स और दूसरी तरफ आप उसको मारकर खा जाते हैं। ये बहुत दुखद बात है, ये बहुत गलत बात है। जो भी दर्शकगण मुझे इस समय सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, कृपया मांसाहार का सेवन करना छोड़ दें, सर्वथा छोड़ दें। आप करते थे लेकिन अब करना छोड़ दें। ठाकुर जी से प्रार्थना करें, ठाकुर जी से क्षमा याचना करें और ठाकुर जी से कहें, प्रभु जाने अनजाने में जो मुझसे पाप हुए हैं, मैं उन सब पापों से अब मुक्त होना चाहता हूँ और मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। देखिए ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। लोग कहते हैं कि मांसाहार खाने से होता क्या है। देखिए जो लोग मांस का सेवन करते हैं उनको बहुत ही भयंकर, बड़ा ही दुष्कर कुंभी पाक नाम का नरक मिलता है। हमारे 28 प्रकार के नरक हैं
और उन नरकों में सबसे भयंकर नरक बताया जाता है कुंभी पाक नरक। ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि ठाकुर जी ये नरक कभी किसी को ना मिले। इस नरक में क्या होता है कि जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं वो कुंभी पाक नरक में जाते हैं। क्या होता है कि एक बहुत बड़ी भट्टी में हजारों मन तेल उबाला जाता है, उसे बहुत उबाला जाता है, बहुत खौलाया जाता है, इतना खौलाया जाता है कि यदि आप उसके पास भी खड़े हो गए ना तो आप जलकर भस्म हो जाएंगे, इतना खौलाया जाता है। उस उबलते हुए तेल में उस व्यक्ति को डाला जाता है जो जीव हत्या करता है, जो छोटे छोटे जीवों को मार कर खाता है, उसमें उन जीवों को डाल दिया जाता है, उनके पकौड़े बन रहे होते हैं। हाँ, जो पकौड़े आप खाते हैं ना वही पकौड़े फिर आपके बन रहे होते हैं। आप विचार करो, एक गरम तेल की बूंद हमारे हाथ पर पड़ जाए तो हम छटपटाने लगते हैं, और जब आपके वहाँ पकौड़े तले जाएंगे तो कितनी पीड़ा होगी आपको। इसलिए भैया मांसाहार का सेवन करना सर्वथा छोड़ दें, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करें। और देखिए, ऐसा कहा जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी आपकी वाणी। तो शुद्ध भोजन करिए, शुद्ध जल का आहार, शुद्ध जल का सेवन कीजिए। और एक शायर ने बहुत अच्छा एक लेख लिखा था कि आज का मानव कैसा है, उसने उस मानव की स्थिति पर लिखा कि छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है। आज का मानव देखिए ऐसा है, छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है। बाहर इंसान तेरी फितरत, तू लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है। जब हम किसी के संस्कार में जाते हैं, जब कोई मर जाता है तो लोग उसके संस्कार में जाते हैं, तो फिर घर आने के बाद अपने आप को शुद्ध करते हैं, स्नान करते हैं। जब आप एक व्यक्ति के संस्कार से लौट कर आते हैं तो अपने आप को शुद्ध करते हैं, और खुद बेजवान जीव को लाश बनाकर खाता है। और फिर उस वक्त आपकी मानवता कहाँ चली जाती है, उस वक्त आपके लॉजिक्स कहाँ चले जाते हैं कि आप अपनी प्लेट पर एक बेजवान जीव को मारकर खा रहे होते हैं, उस वक्त कहाँ चली जाती है आपकी बातें। ये दोगलापन आज के मानव में क्यों है, बहुत पीड़ा होती है जानकर, बहुत कष्ट होता है जानकर। इसलिए आज मैं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से यही प्रार्थना करूँगी कि जिस प्रकार से आप सब परमात्मा के बच्चे हैं, उस प्रकार से ये भी छोटे छोटे पशु पक्षी भी परमात्मा के बच्चे हैं। ये पशु पक्षी, ये छोटे छोटे जीव इस संसार की सुंदरता के लिए बनाए गए हैं। इनके चहकने से ये संसार और सुंदर लगता है, और चहकता है, और महकने लगता है। इनको मारने का अधिकार नहीं है। जब आप किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो मृत्यु दंड देने का आपका कोई अधिकार नहीं बनता। इसलिए मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगी, भैया शुद्ध सात्विक आहार अपनाइए और खूब ठाकुर जी का भजन कीजिए, तब कहीं जाकर आपका जीवन सुंदर और सुखमय होगा। जय श्री कृष्ण।